नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर वन शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चलती का नाम चन्नी। जी हां, पंजाब में कांग्रेस को चलाने की जिम्मेदारी है, सिर पर कांटों का ताज है। अमरिंदर पार्टी छोड़ चुके हैं, सिद्धू बागी हो चुके हैं और चुनाव में सिर्फ 4 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में चन्नी पंजाब कांग्रेस को कैसे चलाएं, यह ऐसा सवाल है जो चन्नी को पंजाब से दिल्ली खींच कर लेकर आया है। लेकिन दिल्ली में भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस आलाकमान पर पंजाब कांग्रेस को संभालने की जिम्मेदारी थी, उस आलाकमान के खिलाफ ही पार्टी के दिग्गज नेता एक एक कर बागी हो रहे हैं। ऐसे में चन्नी कैसे चलाएंगे पार्टी, ये बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के भीतर बना हुआ है। देखिए, चन्नी की ये उड़ान पंजाब कांग्रेस में मची महाभारत को खत्म करने की है। ये उड़ान खुद की कुर्सी बचाने की है। ये उड़ान सिद्धू पर फैसला लेने की है। ये उड़ान पंजाब में कांग्रेस को बचाने की है, क्योंकि हर उड़ान पंजाब में एक नया तूफान लेकर आती है। ये उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल जिसका उन्होंने जिंदगी भर पालन किया है, ये उसकी परीक्षा है। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतूंगा। सिद्धू जी को कुछ कहना भी था तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए था, और उसको सार्वजनिक करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं छोड़। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है, उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सिद्धू दिल्ली के लिए उड़े, कैप्टन दिल्ली के लिए उड़े, अब चन्नी उड़ान भर रहे हैं उस घमासान को खत्म करने के लिए जो हर उड़ान के साथ बढ़ जाती है। चन्नी को कांटों का ताज पहनाया गया है। 4 महीने का वक्त है, गद्दी बचानी है, खुद को साबित करना है, कांग्रेस में कलह खत्म करनी है। आखिर चन्नी इतने कम वक्त में करें तो क्या करें, शायद इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश उन्हें दिल्ली तक खींच कर लाई है। खबरें हैं कि यहां चन्नी आला नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। सिद्धू की हर गुस्ताखी का जवाब चन्नी बड़ी शालीनता से दे रहे थे। कल चंडीगढ़ में करीब 2 घंटे चन्नी और सिद्धू की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात भी सिद्धू नाम के तूफान को नहीं थाम पाई। सूत्रों की माने तो सिद्धू ने चन्नी के सामने सुलह की शर्तें रखी हैं। सिद्धू की कुछ शर्तें मंजूर कर ली गई, लेकिन कुछ मांगों पर चन्नी को एतराज था। एजी और एडीजी को सिद्धू हटाना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने इनकार कर दिया। सिद्धू और चन्नी की तकरार की एक तस्वीर आज सुबह सामने आई। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखविंदर रंधावा पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए, जहां उनके साथ डीजीपी सहोता मौजूद थे, जिन्हें हटाने को लेकर चन्नी और सिद्धू में घमासान चल रहा है। चन्नी सिद्धू के इशारों पर नाचने को तैयार नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि सिद्धू अब उनके लिए चुनौती बने, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में सुलह का एक फॉर्मूला तैयार किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात के बाद एक कमेटी गठित की गई है, जो सभी मामलों पर विचार विमर्श करेगी। कमेटी में सीएम नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव शामिल होंगे। जिन अफसरों को लेकर विवाद है, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। दोनों सीएम और सिद्धू अपनी तरफ से रिपोर्ट तैयार करेंगे। दोनों पक्ष नए नामों के साथ पार्टी कमेटी की बैठक में चर्चा करेंगे। पार्टी आलाकमान इस पर अंतिम मुहर लगाएगा। 4 अक्टूबर से पहले मामला खत्म किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू जितनी तेजी से ऊपर गए, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गए। कुछ महीनों पहले तक कैप्टन की नाराजगी के बावजूद वो दिल्ली में कभी राहुल तो कभी प्रियंका से मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन अब खबर ये है कि दिल्ली दरबार के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं। जो कल तक सिद्धू के साथ थे, वो ही उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि एक दलित और एक कमजोर वर्ग के गरीब परिवार के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से हम में कुछ बेचैनी है या छटपटाहट है। और सिद्धू जी को कुछ कहना भी था तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए था, और उसको सार्वजनिक करके
उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं चोट पहुंचाई। श्रीमती प्रियंका वड्रा, उनको भेजा वहां। तो अगर हाईकमान गलत काम करती है तो फिर तो बात गलत हो गई। एंड सिद्धू प्रूव्ड अमरेंद्र सिंह राइट बाय द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ। उधर अमरिंदर सिंह ने भी चन्नी और सिद्धू के विवाद पर एक बार फिर सिद्धू पर निशाना साधा और साफ किया कि सिद्धू मुख्यमंत्री के काम में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये डोमिनेट करना चाहता था चन्नी, एंड नो चीफ मिनिस्टर कैन बी डोमिनेटेड। यू हैव टू बी गिवन अ फ्री हैंड टू डील विद द अफेयर्स ऑफ योर स्टेट, जो स्टेट के कारोबार है। और वो अगर समझता था कि मैं सरकार चलाऊंगी वाया चन्नी, नेचुरली रिएक्शन होना था। अब पूरा खेल आलाकमान पर आकर रुक गया है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान खुद सवालों के घेरे में है, जहां कपिल सिब्बल के बाद कई कांग्रेस नेताओं ने राहुल और सोनिया गांधी पर हमले तेज कर दिए हैं। In our party, at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। श्री अमरेंद्र सिंह जी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। G23 की मांग के बाद कांग्रेस ने CWC की बैठक बुलाई है, जहां कांग्रेस में बगावती सुर को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। पंजाब से लेकर दिल्ली तक घमासान जारी है, जो कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज तक देखो।